पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि शायद ही कभी इस तरीके का अरेंजमेंट आपने देखा होगा कि बम की डॉग स्क्वाड को लगाया जाए, इसके अलावा जो सशस्त्र बल है उनको लगाया जाए, पुलिस और पीएसी के जवान, कई थानों की फोर्स। ये देखिए जो मुख्य द्वार है आप देख रहे हैं, सामने एंट्री करके ही लोग जा सकते हैं अंदर, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चला जाए सीधे। जो आम लोग हैं उनके लिए आज कचहरी परिसर में जाना मुश्किल होगा। और देखिए जो जजेस हैं उनका कंपाउंड में लगातार पहुंचना जारी है, हालांकि अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चूँकि आज जारी रहेगी, इसलिए आप देख रहे हैं कि तमाम जजेस यहाँ पे चूँकि समय हो गया इसलिए पहुंच रहे हैं, लेकिन निगाहें आज एमपी एमएलए कोर्ट पर टिकी हुई हैं। ये देखिए एक के बाद एक जो हैं वो जो न्यायाधीश हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन जो मुख्य निगाह है वो एमपी एमएलए कोर्ट पर। ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये कोर्ट परिसर के बाहर की जो सड़क है उस मुख्य मार्ग पर भी आप देखेंगे तो आप जहाँ तक भी मैं आपको ले जा पाऊँगा वहाँ तक आप देखेंगे कि आपको यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान आपको लगातार देखिए नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक भी नज़र जा रही है। और बहुत दूर तक उस चौराहे तक यानी करीब करीब यहाँ से 200 या 300 मीटर आगे तक जहाँ मैं देख पा रहा हूँ वहाँ तक आपको पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये दूसरा दृश्य देखिए आपको हम अपने दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि अब ये तस्वीर देखिए कि इस दूसरे तरफ भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बड़ा ज़बरदस्त सुरक्षा घेरा नज़र आएगा। ये विशेष तौर पर ये इंतज़ाम आज अतीक और अशरफ दोनों को आप पेश किया जाएगा, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है और किसी भी तरीके की कोई चूक सुरक्षा में ना होने पाए इसको लेकर के ये वृहद इंतज़ाम किए गए हैं। आमतौर पर कोर्ट में इतनी बड़ी सुरक्षा नहीं लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कभी इससे पहले आतंकवादियों की पेशी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके का जो ये मामला है इतना संवेदनशील मामला है कि हम सबने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल जो पेशे से अधिवक्ता भी थे और राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उनको किस तरीके से घेर करके गोलियों से और बमों से उनको मारा गया। न केवल उनकी मृत्यु हुई बल्कि दो उनके सरकारी गनर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लिहाजा इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतीक और अशरफ उसके गैंग का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए कि कितना वो खूंखार है, कितना बड़ा माफिया डॉन है, उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। ये एक हमने आपको दिखाया तस्वीरों के माध्यम से कि आखिर कचहरी में व्यवस्था किस तरीके की। अब आप हम आपको बताते हैं कि दरअसल आज 11 बजे कोर्ट के आदेश के अनुसार इन अतीक और अशरफ को पेश किया जाना है। जो मामला है वो मामला है उमेश पाल अपहरण कांड का साल 2006 का। इसमें कोर्ट में जो चार्ज फ्रेम था वो हो चुका था, उसके बाद बहस पूरी हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी आ गई है। ऐसे में जो परिवार है वो इस बात को भी कह रहा है कि भले ही मामला अपहरण का हो लेकिन चूंकि उमेश पाल की अब हत्या हो चुकी है तो उसको भी मद्देनजर रखा जाए और कोर्ट आजीवन कारावास नहीं बल्कि मृत्युदंड जैसी कोई सजा सुनाए, ये एक डिमांड उमेश पाल के परिवार की तरफ से आ रही है। तो निश्चित तौर पर उमेश पाल की हत्या हो चुकी है लेकिन कोर्ट इस बात को जरूर कंसिडर कर रही होगी या जो वकील है वो ज़रूर इस बात को ज़रूर उठाएंगे कि एक गवाह जिसकी सरेआम हत्या होती है, पेशे से अधिवक्ता है वो, और उन्हीं का ही अपहरण किया गया था 2006 में। किस लिए किया गया था? क्योंकि वो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, राजू पाल तत्कालीन बसपा के विधायक जिनकी हत्या की गई थी और सीधे सीधे तौर पर उसमें अतीक अहमद मुख्य आरोपी था, उसका भाई आरोपी था, इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया था। उस मामले में आज कोर्ट का फैसला आना है, सबकी निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर लगी हैं क्योंकि 100 के करीब अतीक अहमद पर मुकदमे, 50-52 के करीब मुकदमे अशरफ पे, पूरा परिवार वो अपराध जगत में खासा दखल रखता है, यानी जो दूसरी पीढ़ी अतीक के बाद की दूसरी पीढ़ी वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपराध में लिप्त हैं। एक बेटा अतीक के साथ ही नैनी जेल में बंद है, 2 बेटे सुधार गृह में, असद फरार हो चुका है। तो ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको ज़रूर कोर्ट कंसिडर करेगी और क्योंकि हम सबको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा कि कोर्ट से किस तरीके का फैसला आता है। लेकिन एक जो आम धारणा है, जो एक उम्मीद है वो यही है कि पहली बार अतीक अहमद और उसके भाई और उसके गैंग के जो गुनाह हैं उनका आज हिसाब किताब होगा, आज इंसाफ की घड़ी आ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।